माँ आप ऊपर क्यों चढ़ी हैं? मैं कर देती हूँ, आप प्लीज मत छुओ ना मुझे, कहा ना मैं खुद कर रही हूँ। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। माँ जिद मत कीजिए, नीचे आ जाइए, मुझे मत छुओ प्लीज। यही थी, बताया था आपको मॉम, आप सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अरे कैसी लड़की है ये, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, बिना बोले कुछ चली गई। ये ऐसी है लड़की, दिखता नहीं इसको, चले अभी। हाँ ठीक है ना, मैं माँ हमेशा कहाँ मर गए सब के सब, बीजी बाहर गई है, उन्होंने सारे लोगों को भी बाहर भेज दिया। कृतिका, कृतिका भी नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे से काम चलाना पड़ेगा आराम से। हाँ ठीक है ठीक है, मैं खुद बैठ सकती हूँ, थोड़ा मुझे आराम से, भाई दर्द हो रहा है। माँ रिलैक्स, आई नो। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। हाँ पापा, हाँ कौन है, खोल रही हूँ। सैम, अरे सैम, 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 नानीमा सैम कहाँ है? How dare you step into this house? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? नानीमा सैम कहाँ है? मोना बहुत क्यों नहीं दिखाई दे रही? सैम ऑफिस से आई? मोना भी नहीं है और सैम भी। तुम्हारे बाप का घर नहीं कि जब मन किया मुंह उठाकर तुम यहाँ पर चले आओगे। ओके निकलो बाहर यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे नहीं बताते कि सैम कहाँ है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो करना है कर लीजिए। अच्छा ठीक है, सैम घर पर नहीं है और अगर वो यहाँ पर होती तो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। इनफ, अब निकलो गया तुम यहाँ से। दुर्गा प्लीज, जब सिद्धार्थ कुछ कह रहा है तो कोई वजह होगी। सिद्धार्थ क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नानी माँ। सैम जिस आदमी के लिए काम कर रही है, he's a bloody fraud, he's a womanizer, एक घटिया इंसान है वो। लड़कियों का इस्तेमाल करता है वो। सैम बहुत बड़ी मुश्किल में है नानीमा। I need to know where she is. कहाँ है वो? क्या बोल रहे हो तुम सिद्धार्थ? मुझे पता था कि आप मेरी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये लाया हूँ। लीजिए, पढ़िए और तसल्ली कर लीजिए। हजार केसेस चल रहे हैं उस आदमी पर, न जाने कितने सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है वो। मैं सैम के ऑफिस गया था नानीमा उसको यही बताने के लिए, लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुनने वाली है? सासू माम, आपके परिवार की यही फितरत है, राह चलते आदमी की बात सुन लेंगे लेकिन मेरी बात नहीं सुनेंगे। फोन कर। अब फोन कर रही। हेलो समायरा, बेटा तुम कहाँ हो? माम जी मैं एयरपोर्ट से निकल रही हूँ। क्यों जा रही हो? तुम्हारा तो वीजा भी नहीं हुआ ना अभी तक। मामी जी वीजा आ गया है, आज ही निकलना होगा। मैं घर आई थी लगेज लेने के लिए, मॉम से मिलकर ही निकली, आप थे नहीं इसीलिए। ओह शिट, डोंट टेल मी वो गधा सिद्ध आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, तभी आपकी आवाज में इतनी टेंशन है। मामी जी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, प्लीज ये मेरी करियर का सवाल है, आप फिकर मत कीजिए, मैं आपको पहुंच के फोन करती हूँ। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट समायरा, एयरपोर्ट पे थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आ रही हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामी जी प्लीज बच्चों की तरह मत बिहेव करें। मैं आपको पहुंच के कॉल करती हूँ ना। बाय। हेलो समाय, क्या वो माल आइए पुत्र। सिमी आज से लेके विसाखी तक सुबह शाम दोनों टाइम तुम दोनों ने पूजा करनी है। हाँ लिया दे। मैं कर लूंगी ना बीजी। दे इधर दे बीजी, मैं कर लूंगी ना। अरे ले पुत्र, प्रसाद सबको बांट दे। सिमी है, पूजा प्रार्थना के घर में खड़े होके मन में एक रीना नहीं रखते। सिमी पुत्र
प्रसाद ले लो जी। शाबाश शाबाश, लो प्रसाद। हाँ, बाकी घर के लोग कहाँ हैं? आए नहीं पूजा घर में? सिद्ध आ चुका है ऑफिस से? वो आ चुका है बीजी। पुत्र जा सबको प्रसाद बांट दे और सिद्ध को भी देना। हाँ बीजी मैं बांट देती हूँ। अरे ठहर जा, एक तो तेरे पैर में मोच आई हुई है, दूसरी वो कार की बहू है, बहू उसको प्रसाद बांट दे दे। जा पुत्र जा, तू ना कब तक तू इस घर में अपना राज जमाती रहेगी। बीजी आप बिल्कुल ठीक कह रही। ओ सिमरन खुराना जी, भाई आप मेरी वोटी हो है? मुझे आपका ध्यान रखना है और खास तौर से अब जब आपके मुंह आ गई है। हाँ। आओ मैं आपको ले चलूं। आ जाओ जाओ जाओ, आराम करो। आ जाओ जाओ जाओ, अभी ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ, सेक थोड़ा करोगी बस ठीक हो जाए। थोड़ा घर को छटेगी तो बहू बेचारी घर संभालेगी। क्या देख रही है, तेरा पति भी तुझे ऐसे ही प्यार करेगा। चिंता ना कर, हौसला रख, जीती रह। हे दुर्गे माँ, बड़ी प्यारी बच्ची है ये, इस पे कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे घर पे फिर प्यार और प्यारी भर देना। जय अम्बे माँ। ये राजवीर जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है फिर से, इससे पहले मेरी फैमिली पे कोई भी पहाड़ टूटे मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं, कैसे निकालूं सैम को उस बवेजा के चंगुल से? सॉरी मेरा ध्यान। सॉरी पीजी, कहती है कि आरती की थाल गिरना अपशकुन होता है। मॉम का फोन तुम्हारे पास? हेलो। हाँ हाँ सासू मॉम बोलिए। क्या क्या बात कर रही हैं आप, शाम से मिली नहीं अब तक? नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करिए, मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट्स। सिद्धार्थ क्या प्रॉब्लम है, सैम को क्या हुआ? मैं सब कुछ बताऊंगा लेकिन बाद में, इस वक्त पकते ही बस। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो सोच समझ कर ही लिया होगा। प्लान जो पहले था प्लान वही रहेगा, समझे? बस कुछ भी हो जाए इस सैम से तो मैं शादी करके ही रहूंगा, पर तुम इस शहर से निकलने का बंदोबस्त कर दो बस। भवेजा साहब, अब तक तो सारा परिवार इसे ढूंढने में निकल गया होगा, उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि आपने फ्लाइट नहीं ली। किसी भी तरह इसे अब छिपा कर रखना हो। मैं तब तक एक काम करता हूं, आप दोनों को दिल्ली भेजने का इंतजाम करता हूं। एक बार वहां पहुंच गए तो शंघाई पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं है। कौन है साहब? सफाई कर दें बाद में। ठीक है साहब। जाओ। कुछ नहीं, हमारा नौकर था। वो क्या बता रहे थे तुम, वो दिल्ली का प्लान? वही ठीक रहेगा, तुम जल्दी से निकलो और हमारा दिल्ली जाने का इंतजाम करो। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं पुलिस को साथ लेके आया। पैसेंजर लिस्ट निकाली प्लीज, जल्दी। ये लीजिए रजिस्टर। नहीं, इसमें तो नाम नहीं। सच कह रही थी ना मैं, रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी मैम। थैंक्स सिद्धार्थ। सॉरी, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू में इतने जलवे? नहीं आप ये बिना एटीट्यूड के भी बोल सकती हैं, सेम साउंड करता है। लेकिन छोड़िए, आपसे होगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला आपको? सर ये समायरा और मिस्टर बावेजा ने फ्लाइट बोर्ड नहीं की है, इनफैक्ट इन्होंने तो चेक इन भी नहीं किया।
देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।